नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको खास तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक तस्वीर देखिए, कोई बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं कहाँ की तस्वीर है। आप तस्वीर देखिए, अंदाजा लगा लेंगे तो आपको सिटी पोस्ट की ओर से एक बड़ा इनाम मिलेगा। जी हाँ, वो इनाम कुछ भी हो सकता है, मोटर बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, लेकिन बताना पड़ेगा कि ये तस्वीर कहाँ की है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन मनोज से कहूँगा कि तस्वीर दिखाइए, कहाँ की तस्वीर है, कितनी विकराल, कितनी भीषण रूप धारण किए हुए है नदी। नदी नदी तो एक दिशा से चलती है, लेकिन यहाँ तो जिधर देखो नदी ही है, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम। ऐसी नदी आपने कभी देखी होगी? आप कहेंगे कि नदी नहीं है, तालाब है। तो तालाब भी नहीं है और ये नदी भी नहीं है। ये राजधानी पटना का एक VIP इलाका है। यहीं पर बाजार समिति है, यानी फल मंडी है। यहाँ पर सब्जी फल सब कुछ मिलता है। इधर ही सारे कोचिंग संस्थान है, छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं, लाखों आबादी रहती है। तो पानी आप देख रहे हैं ना कि सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, सबके घरों में पानी घुस गया है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। जिनका घर 2 मंजिला है वो ऊपर के छत पर शरण लिए हुए हैं। और देखिए कितनी मुश्किल है, आपको विश्वास नहीं होगा कि राजधानी पटना का ये नज़ारा हो सकता है। मुझे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 30 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ये तस्वीर पटना में नहीं देखी है। हाँ, पटना के कंकड़बाग में घुटना भर पानी लगता था तो विपक्ष के नेता रामकृपाल, पहले विपक्ष के नेता हुआ करते थे, अब BJP के हैं, वो नाव लेकर उतर जाते थे, खूब पब्लिसिटी मिलती थी। लेकिन आज तो पूरा पटना डूब चुका है, वाकई नदी में तब्दील हो चुका है। देखिए, लोग डूब रहे हैं, लेकिन कोई नेता नाव पर सवार होकर लोगों की मदद करने नहीं आ रहा है, क्यों? देखिए, आप घर का तस्वीर मैं कहूँगा ये दिखाएं। देखिए, इधर जो घर है, घरों में पानी घुस चुका है, यानी ग्राउंड फ्लोर लोग छोड़ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पर शरण लिए हुए हैं। ये रात भर के बारिश में ही ये तस्वीर बनी है। अगर आज भी बारिश हो जाए, जैसा कि संभावना भी है, आसमान में बादल हैं और झमाझम नहीं तो टिप टिप पानी तो हो ही रहा है, तो अगर पानी तेज हो गई इसी तरह से दिन भर, तो पूरा पटना ही डूब जाएगा। तो ये क्या ऐसा कभी तस्वीर आपने देखा था? कभी नहीं। और ना कोई भी प्रशासन के तरफ से आया है अभी तक कुछ कहने कि पानी कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में कोई चिंता नहीं, ना पुलिस आया ना प्रशासन के तरफ से। अब बताइए, जो पहला मंजिल पे रह रहा है वो खाना उना कैसे बनाएगा? अच्छा, ऐसा तस्वीर कभी देखा? कभी नहीं, आज तक नहीं देखे। ये पॉश इलाका है, यहाँ पे कोचिंग है, बड़ा बड़ा करोड़पति सब रहता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा पानी है? बताइए, जो बिहार का राजधानी पटना में इतना है पानी, तो और सब बिहार में कितना होगा? देखिए, इसी इलाके से सटे रहते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 में उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं और ये इलाका पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। देखिए, सारी गाड़ियां जो घर के बाहर खड़ी होती हैं वो डूब चुकी हैं। लोग किस तरह से पार कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, लग रहा है आपको सड़क की तस्वीर है? लग रहा है कि हम किसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, किसी गांव देहात की तस्वीर दिखा रहे हैं? कोसी का इलाका लगता है, लेकिन ये तो राजधानी पटना का एक VIP इलाका है, तो बड़ा ही भीषण स्थिति है। कितना पानी है? आगे डुबाऊ पानी है क्या? इधर आइए, कितना पानी है? डूबने भर पानी है क्या? डूबने भर पानी है। कहाँ तक पानी है? पानी तो पूरा ऐसे पूरा। इस इलाके में कब से रहते हैं? मोबाइलों चल गया। हम तो बहुत दिन से रहते हैं। कभी देखे हैं ऐसा पानी? जी नहीं, पहली बार देख रहे हैं। क्यों हो गया, इतना पानी क्यों लग गया? हेलो, तो रात भर बारिश हुई है और बारिश भी बहुत तेज नहीं हुई है, मतलब कह सकते हैं कि मध्यम गति से हुई है, लेकिन लगातार हुई है रात भर, और उसके बाद ये तस्वीर बन गई है राजधानी पटना की। आपको और भी इलाकों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार और भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आप इस इलाके की तस्वीर देख लीजिए। ऐसी तस्वीर शायद आपको बहुत दिनों बाद ही राजधानी पटना में दिखने को मिलेगी। वैसे पटना में घुटने भर जल जमा होना आम बात है, लेकिन गला भर पानी पटना राजधानी की सड़कों पर आ जाए, सड़कें नदी में तब्दील हो जाए, ये तो पहली बार मैं भी देख रहा हूँ और यहाँ के लोग भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों के घर डूब गए हैं वो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, और जो लोग कहीं नहीं जा सकते, देखिए यहीं पर संघर्ष कर रहे हैं। तो आज तो एक दिन की समस्या है, तो थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, इस मुसीबत को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा संकट झेला नहीं है।
लेकिन 2-4-10 दिन इसी तरह का संकट बरकरार रहा तो सब इंजॉयमेंट अब पता है ना क्या होगा। क्या सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे डायग्नोसिस सेंटर है, चौधरी डायग्नोसिस सेंटर, वो डूबा हुआ है। पर पेशेंट लोगों को कितना दिक्कत होगा अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी होगा तो दूध नहीं होगा किसी के घर पे कहीं पे, कल से पूजा स्टार्ट है, कैसे लोग क्या करेंगे पता नहीं। बाजार तो फल मंडी यही है, फल मंडी यही है सारा का कुछ, यही से सब कुछ जाना है, फल का मछली का है सारा मार्केट है, हाथ में क्या कहां से ला रहे हैं इतना। ये दूध तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर से लेकर के आ रहे हैं और यही पानी में डूब करके ही मतलब ये करके लाना पड़ रहा है। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि अब तो दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्र की शुरुआत कल से हो रही है और फल मंडी यही है राजधानी पटना का सबसे बड़ा फल मंडी और वो ही डूब गया है, तो कैसे लोग इस उत्सव को मनाएंगे। और जो बाहर के दुकानदार हैं जो इस जल जमाव से दूर हैं वो तो 5 गुने 10 गुने ज़्यादा दाम वसूलेंगे, तो लोगों का मुसीबत और बढ़ने वाला है, लोग और परेशान होने वाले हैं। अब पानी तेज हो रही है और झमाझम बारिश होने वाली है लगता है और संकट गहराने वाला है। लेकिन हम अब चलते हैं, इजाज़त दीजिए। आपको ये तस्वीर अगर लगे कि भयानक है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि स्मार्ट सिटी का हकीकत क्या है। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।